नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रकाश जोशी, हेल्थ एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं डायनेमिक हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गिलोय का जूस किस प्रकार बनाया जाता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि गिलोय क्या होती है और किस प्रकार से हम इसका सेवन करके निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, गिलोय को अमृतारिष्ट भी बोलते हैं। गिलोय संस्कृत में अमृतारिष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अमृत के समान होती है और विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों को ठीक करने में इसकी मदद मिलती है। गिलोय एक बेल होती है जो नीम के ऊपर लिपटी हुई होती है। इसके आयुर्वेदिक गुणों के कारण इसे संजीवनी बूटी भी कहा गया है। दोस्तों, आज मैं आपको ताजा गिलोय का जूस बनाने का तरीका बता रहा हूं। आप इसे जानेंगे और इसको यूज करके आप अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने सुबह ही जंगल से ताजा गिलोय लाया हूं। ये नीम के ऊपर लिपटी हुई आप देख सकते हैं कि ताजा गिलोय किस प्रकार की होती है। ये 1 फीट की लंबी गिलोय की डंडी है। ये हरे होती है और इसकी जो पत्तियां होती है ये पान के आकार की होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नीम का जो जूस होता है गिलोय का, वो किस प्रकार हम बनाते हैं। उससे पहले नीम को जूस बनाने से पहले हमें इसका छिलका हटाना चाहिए ताकि ये ग्राइंडर होने में आसानी रहे। तो इस प्रकार हम गिलोय की जो डंडी होती है ताजा, उसका हम छिलका हटा सकते हैं और छिलका हटाने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट सकते हैं। दोस्तों, अभी जो जबरदस्त महामारी चल रही है कोरोना डिजीज, इस कोरोना डिजीज के अंदर अगर कुछ लोग गिलोय का जूस पीते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इम्यूनिटी बढ़ने पर उस रोग का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम गिलोय को छिलके हटा सकते हैं और छिलके हटाने के बाद बिल्कुल ये हरे कलर की नजर आती है। फिर छिलके हटने के बाद हम इसको चाकू या कैंची से किसी भी प्रकार से हम इसके छोटे छोटे पीस करके इसको हम ग्राइंडर करेंगे। तो आप जानेंगे कि किस प्रकार हम इस गिलोय के छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। ये टूटने में, ताजा जो गिलोय होती है बहुत ही नरम होती है, पर जब ये टूटती है तो ये चटक की आवाज इससे निकलती है। इस प्रकार हम छोटे छोटे पीस करके लगभग लगभग हम 50 ग्राम के लगभग एक आदमी के लिए सफिशियंट होती है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और टुकड़ों को हम जल्दी ही मिक्सर में इसको हम ग्राइंडर करेंगे। इस प्रकार हम इनको छीलकर इसके छिलके को हटा सकते हैं। इनके छिलके का भी आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। इसको सुखाकर हम इसका पाउडर बनाकर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना आसान है घर पर गिलोय का जूस बनाना। आजकल हर घर में बच्चों को एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। इसे लेकर हम बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिनको लगातार खांसी, जुकाम और बुखार होता है या जिनको निमोनिया की शिकायत होती है, अगर आप उनको लगातार ये जूस पिलाते हैं तो 100% कुछ ही समय के अंदर वो लोग रिकवर हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनको एलोपैथिक एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो देखा आपने, मैंने किस प्रकार गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। अब मैं इन टुकड़ों को मिक्सी के जार के अंदर डाल के, ये देखिए आप, लगभग 50 ग्राम के लगभग ये गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब मैं इसमें ताजा पानी डालूंगा, इसमें 1 गिलास, और 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको जूसर और मिक्सर जो होता है उसके ऊपर मैं ग्राइंडर करूंगा। फिर इसको मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने इसको ढक दिया है। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार मैंने इसका बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है कि किस प्रकार इसका जूस या रस बनता है। लगभग मैंने इसको 1 मिनट तक इसको ग्राइंडर किया है। आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट तक भी ग्राइंडर कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि कितना ताजा और प्योर गिलोय का जो रस है ये मैंने तैयार किया है। इसको फिर हम इसको छान लेंगे। देखिए
कितना शानदार तरीके से मैंने इस जूस को बनाया है और कितना ताजा लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। ये एक आदमी के लिए पर्याप्त है। गिलोय का जो जूस पीने का जो समय होता है वो सुबह भूखे पेट होता है, उसको पीने के बाद 1 घंटे तक हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए इसके अच्छे परिणाम लेने के लिए। अगर आप इसे 2 टाइम लेना चाहते हैं तो एक शाम को आप 3 से 4 बजे के बाद भी इसे ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि गिलोय का रस निकालने का तरीका बहुत आसान है, इसे आप घर पर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और इसे आप शेयर करें। दोस्तों, अभी जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जरूर ये चीज शेयर करें ताकि वो लोग भी गिलोय का जूस लेकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। थैंक यू, विश यू वेल्थ।